यूपी निकाय चुनाव में अखिलेश यादव की ये गलती कहीं पड़ ना जाए भारी, जाने क्या कहते हैं सपा नेता। निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा का सामना कर रही समाजवादी पार्टी बिना प्रदेश स्तरीय कमेटी के ही चुनावी मैदान में है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होने के बाद यह माना जा रहा था कि पार्टी निकाय चुनाव से पहले ही अपनी प्रदेश स्तरीय टीम भी तैयार कर देगी, लेकिन ये टीम अब तक तैयार नहीं हो पाई है। कुछ लोग इसे पार्टी की रणनीति का हिस्सा भी मान रहे हैं, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। सपा नेताओं के मुताबिक भले ही पार्टी ने प्रदेश कमेटी में पदाधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हों, लेकिन चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव के लिए बाकायदा संचालन समिति बनाई गई है, ऐसे में प्रदेश स्तरीय कमेटी न होने से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिना प्रदेश स्तरीय कमेटी के चुनाव में उतरी सपा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जब अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया था तो उसके बाद कुछ जगह से नाराजगी भी देखने को मिली थी, जिसके बाद पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ संशोधन भी किए थे। सूत्रों की माने तो पार्टी ने निकाय चुनाव से पहले इसलिए अपने प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन नहीं किया कि किसी के मन में कोई नाराजगी ना रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसका सीधा असर चुनाव की तैयारी पर भी पड़ सकता था। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर प्रदेश कमेटी का गठन हो जाता तो संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकता था। वैसे अब माना यह भी जा रहा है कि पार्टी निकाय चुनाव के नतीजों के आधार पर आने वाले दिनों में अपनी प्रदेश की टीम तैयार करेगी। फिलहाल प्रदेश की टीम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के अलावा कुछ फ्रंटल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं।